तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज कुछ इस तरह का एक 3D मॉडल बनाकर सॉलिडवर्क्स में कि किस तरह से हमने इसको बनाया। और सिंपली हमने इसको बनाने के लिए सर्कल और एक्सट्रूड ट्रिम वगैरह का यूज़ किया है। तो चलिए देखते हैं इसको बनाकर किस तरह से इसको बनाते हैं। तो इसके लिए लेते हैं सबसे पहले एक फ्रंट प्लेन करते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लेते हैं सर्कल, कुछ इस तरह से यहाँ पर हमको दो सर्कल क्रिएट करने हैं ओरिजिन से वर्टिकली लाइक दैट। तो चलिए इसके बाद दे देते हैं इसको डायमेंशन। तो ये जो हमारा होगा 120 रेडियस यानी कि 240 डायमीटर हमारा होगा। ऊपर वाले इस सर्कल को भी दे देते हैं जो कि हमारा होगा यहाँ पर 60, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है सिंपली इसको ले लेते हैं जो कि हमारा होगा यहाँ पर 70। और अभी ये फुली डिफाइन नहीं हुआ है जिसका रीज़न है कि इस पॉइंट को लेंगे शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे और नीचे वाले पॉइंट को लेंगे। इसके बाद आएंगे यहाँ पर आप लेफ्ट में देखेंगे वर्टिकल को क्लिक करेंगे ओके। तो ये हमारे यहाँ पर वर्टिकल रिलेशन लग चुका है। तो उसके बाद यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल हम लाइन लेंगे कुछ इस तरह से ओके। इतनी बार ट्रिम करेंगे इसको ऊपर के पोर्शन को। उसके बाद आएंगे यहाँ पर लाइन और लाइन को करेंगे इससे टेंजेंट लाइक दैट। इसके बाद लेंगे सर्कल और लाइन और दोनों कर देंगे यहाँ पर ऑप्शन से टेंजेंट। इसके बाद एज इट इज़ हमको लेनी है एक सेंटर लाइन कुछ इस तरह से वर्टिकली या डाउनवर्ड अपवर्ड ले सकते हैं आप। सिलेक्ट करते हैं शिफ्ट के साथ दोनों को, मिरर आइडेंटिटी पे करते हैं क्लिक, बाय डिफॉल्ट ये हमारी मिरर हो जाएगा। तो इतना करने के बाद यहाँ पे दोबारा से आते हैं और कर देते हैं इसको ट्रिम, नीचे के पोर्शन को भी करते हैं ट्रिम और दे देते हैं यहाँ पे इसको एंगल इस पॉइंट को, और इन दोनों लाइन को लेते हैं और कर देते हैं इसको 32। तो सिंपल इतना करने के बाद इसको कर लेते हैं सिमेट्रिक, सिलेक्ट करते हैं इन लाइंस को और सेंटर लाइन सिमेट्रिक हमारा हो चुका है ये। अगेन ट्रिम एंट्री सिलेक्ट करते हैं इसको नीचे वाली जो लाइन थी हमारी, और इतना करने के बाद सिंपली यहाँ पे हमको आना है और इसको दे देना है रेडियस 10 का, जो हमारी एजेस दिख रही हैं दोनों तरफ की। तो चलिए दे देते हैं इसको यहाँ पर रेडियस या फिर फिलेट 10 बाय डिफॉल्ट हमारा सिलेक्टेड है ओके। करते हैं पहले इसको अगेन सिलेक्ट करते हैं ओके, और इसी तरह से हमको यहाँ पर भी देना है लाइक दैट ओके। फीचर्स में आएंगे इसको कर देंगे एक्सट्रूड। तो सिंपली ये हमको लेना है 40, करते हैं इसको ओके। अगेन सिलेक्ट करते हैं इस वाले इसके फेस को कंट्रोल एट और लेते हैं यहाँ पर सर्कल, देते हैं इसको स्मार्ट डायमेंशन। तो ये जो सर्कल है सिंपली ये हमको लेना है यहाँ पर 95 डायमीटर। और फीचर्स में आएंगे एक्सट्रूड करेंगे इसको ओनली 2 ओके करते हैं, हमारा एक्सट्रूड हो चुका है। तो यदि मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इस तरह से कुछ आप देख सकते हैं हमारा। दोबारा सेलेक्ट करेंगे इसके ऊपर वाले इस वाले फेस को करेंगे स्केच करेंगे यहाँ पर कंट्रोल एट, दोबारा से लेंगे सर्कल क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से। अगेन इसको वही प्रोसेस, इसको भी डायमेंशन दे देंगे बट ये वाली जो डायमेंशन हमारा होगा ये इससे थोड़ा डिफरेंस होगा। तो ले लेते हैं इसको 75। फीचर्स में आगे इसको भी कर देते हैं एक्सट्रूड। तो सिंपली इसको जो एक्सट्रूड करना है वो हमको करना है यहाँ पर 65 लाइक दैट। अगेन सेम प्रोसेस, स्केच ऑन फेस देन सर्कल अगेन डायमीटर। तो इस बार जो हमको सर्कल लेना है वो लेना है यहाँ पर 60। फीचर्स में आएंगे एक्सट्रूड करेंगे इसको 6 अगेन प्रोसेस वन मोर जस्ट अ सेकंड स्केच कंट्रोल एट सर्कल क्रिएट करते हैं ओरिजिन पर
और दे देते हैं इसको यहाँ पर हम डायमीटर जो कि हमको लेना है 42। फीचर्स में आगे इसको भी कर देते हैं एक्सट्रूड, तो सिंपली इसको एक्सट्रूड करना है यहाँ पर हमको 58। ओके तो अगेन हमको ये वाला फेस लेना है, इस बार हमको कोई सर्कल इस तरह का नहीं बनाना। इसके बाद करते हैं कंट्रोल 8 और यहाँ पर आएंगे, क्लिक करेंगे कन्वर्ट एंटिटी पर। तो यदि इस पे आपका ये वाला फेस सेलेक्ट है और डायरेक्ट कन्वर्ट एंटिटी पर क्लिक करेंगे तो इसका जो सर्कमफेरेंस है वो हमारा एज ए स्केच में चेंज हो जाएगा, अदरवाइज आपको जैसे कि आप यहाँ पर क्लिक करते हैं कन्वर्ट एंटिटी पर क्लिक करते हैं, इसकी एज को लेते हैं सर्कल के अंदर होकर या सॉरी स्केच के अंदर। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा क्रिएट हो चुका है। इसके बाद लेते हैं सर्कल और इसके ऊपर के इस वाले पॉइंट पर लेंगे एक सर्कल और दे देते हैं इसको यहाँ पर रेडियस या फिर डायमीटर। तो ये हमको लेना है यहाँ पर 2 रेडियस यानी कि 4 डायमीटर होगा हमारा। अगेन इसके बाद हमको पैक करना है इसको पैटर्न, तो सिंपली पैटर्न करने के लिए हमको आना है यहाँ पर लीनियर स्केच पैटर्न में, ड्रॉप डाउन करेंगे सर्कुलर स्केच पैटर्न आपको शो होगा, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे हम सर्कल पर और नंबर ऑफ सर्कल हमें दे देंगे यहाँ पर जो कि हमको लेना है यहाँ पर 20 और कर देते हैं इसको ओके। इसके बाद आएंगे ट्रिम एंटिटीज पर और जो हमारा एक्स्ट्रा पोर्शन है बता देता हूँ कौन सा, लाइक दैट हमारा ऊपर का ये वाला पोर्शन है और अंदर वाला ये पोर्शन, हमको सभी का ट्रिम करना है। तो चलिए वन बाय वन कर लेते हैं सभी को, इन सभी को वन बाय वन ट्रिम कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने इन सभी को ट्रिम कर लिया है। इसके बाद ओके करते हैं इसको, फीचर्स में आएंगे एक्सट्रूड कट करेंगे और इसको लेंगे यहाँ पर हम 40 और 40 हमने ले लिया है और इसके बाद कर देंगे फ्लिप साइड टू कट और चेक करने के बाद फ्लिप साइड हमने इसमें चेक कर दिया है और इसके बाद करेंगे इसको ओके। और ओके करने के बाद आप देखेंगे कि हमारा जो फ्लिप साइड का पोर्शन है वही केवल हमारा कट हुआ है। और यदि मैं आपको दिखा देता हूँ, यदि मैं फ्लिप साइड इसमें चेक नहीं करता तो क्या होता, जस्ट ए सेकंड। तो यदि मैं इसको चेक नहीं करता और इसके बाद ओके करता तो जो हमारा अंदर वाला पोर्शन है वो हमारा ट्रिम हो जाता लाइक दैट, बट हमको ये नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि हम इसमें फ्लिप साइड का कट करें, या तो हम स्केच ऐसा बना सकते हैं या फिर हम फ्लिप साइड इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली इतना करने के बाद हमको पीछे की साइड आना है, सेलेक्ट करना है पीछे वाले फेस को कंट्रोल 8 और उसके बाद हमको यहाँ पर सर्किल क्रिएट करना है। तो लेते हैं यहाँ पर सर्कल, लाइक दैट। इस सर्कल का यहाँ से हम डिस्टेंस लेते हैं 60 और ये सर्कल हमको लेना है यहाँ पर 60 का। और इसको लेते हैं यहाँ पर अगेन 60। एक्सट्रूड कर देते हैं चलिए इसको, तो ये हमको एक्सट्रूड करना है यहाँ पर 50। फीचर्स में आते हैं, एक्सट्रूड करते हैं इसको 50। ओके अगेन इस वाले फेस को लेते हैं, इसके पीछे वाले फेस को कंट्रोल 8 और इसको करते हैं यहाँ पर हम कट। सर्कमफेरेंस पर लाएंगे सेंटर पॉइंट के लिए, क्लिक करेंगे ओरिजिन पर सर्कल के ओरिजिन पर और दे देते हैं इसको डायमेंशन। तो ये जो हमको लेना है सिंपली ये लेना है यहाँ पर 42। कट करते हैं इसको 25। ओके अगेन वही प्रोसेस कट के लिए कंट्रोल 8 और इस बार जो सर्कल लेना है वो लेना है हमको यहाँ पर 32 का।
वही प्रोसेस सर्कमफेरेंस पर लाकर दिस विल बी 22 फीचर्स में आएंगे और इसको कर देंगे एक्सट्रूड सॉरी कट एक्सट्रूड कट 25 होगा ये भी हमारा। अगेन हमको एक बार और लेना है यहाँ पर स्केच करना है अंदर वाले पोर्शन पर कुछ इस तरह से और लेते हैं यहाँ पर 32 टूट कट करते हैं इसको थ्रू ऑल तो ये हमारा एक्सट्रूड कट हो चुका है। इतना करने के बाद लेते हैं फ्लेट जो फ्लेट देना है वो देना है हमको 2 का लेते हैं इसके सभी एजेस को सेम एज इट इस तरफ भी करते हैं इसको ओके तो ओके करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारा मॉडल है वो कुछ इस तरह से बनके तैयार है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद।